धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। तो आज भी हम स्टैटिस्टिक्स के इस टॉपिक पर क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है, कोफिशियंट ऑफ क्यूडी क्या है और इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज में हम इसको सॉल्व करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में क्यूडी, आईक्यूआर, क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशियंट ऑफ क्यूडी, ये तमाम चीज़ों को चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज, इसमें एक्स के रूप में हमारे क्वेश्चंस दिए होते हैं। क्वेश्चन इसी बुक से लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप भी बीच बीच में पूछेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो फिर आप कहेंगे कि सर हमारा फलाना सवाल सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है, अगर ये नंबर उल्टा सीधा लिखा हो तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में जरूर लिखेंगे। इसकी पहचान होगी कि यह बढ़ते क्रम में ही होना चाहिए। इंडिविजुअल सीरीज में हमेशा एक ही नंबर यानी कि एक सीरीज मिलती है, उसे हमें बढ़ते क्रम में डालना होता है। तो ये सारे नंबर हम बढ़ते क्रम में डालेंगे, हालांकि ये बढ़ते क्रम में ही लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही उतार देंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं 15, जो कि अगला नंबर है 20, फिर है 20, फिर 21, 22, 23, 24, ऐसे लिखा हुआ है। क्वेश्चन के मुताबिक ये क्वेश्चन है तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको ऐसे ले लेंगे वर्टिकल फॉर्म में, 15, 20, 20, 21, 22, 23, 24। हमसे पूछा गया है सबसे पहले नंबर पर क्यू आर यानी क्यू डी और आई क्यू आर के बारे में बोला है, क्वार्टाइल रेंज और कोफिशियंट ऑफ क्यू डी और क्यू डी, इन तीनों को निकालने के लिए कहा गया है। इसके लिए हमारे पास Q1 का होना जरूरी यानी फर्स्ट क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल निकालने के लिए वैल्यू ऑफ n प्लस 1 अपॉन फोर्थ आइटम, तो इसका मतलब हुआ n हमारी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 प्लस 1 अपॉन फोर्थ आइटम, तो इसका मतलब है 8 हो गया। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो दूसरा आइटम आएगा, सेकेंड आइटम यानी टूथ आइटम, जो कि सेकेंड आइटम 1 और 2 तो है 20। तो हमारा जो जवाब है वो है 20 आंसर, जो कि Q1 है वो 20 है। अब निकालेंगे Q3, इसका फार्मूला होता है वैल्यू ऑफ n प्लस 1 अपॉन 4, बाहर लगा देंगे 3, th आइटम। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3, n हमारी ये संख्या है जो कि 7 है। अरे यार इतनी बुरी हॉर्न मार के जा रहा है, कान फोड़ देगा। अपॉन 4 आइटम, 8, 2, ये हो गया छठा आइटम, 6 आइटम। तो छठा आइटम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये है 23, तो इसका जवाब है 23। अब हमारे पास ये दोनों मिल गए, Q3 भी आ गया और Q1 भी आ गया। जब Q3 Q1 आ ही गए हैं तो भाई अब निकालने की देरी क्या है, IQR और QD, कोफिशियंट ऑफ QD सब निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे IQR का, हालांकि IQR पूछा नहीं है, फिर भी मैं इसमें निकालूंगा और आपको दिखाऊंगा। फार्मूला Q3 माइनस Q1 का है, तो Q3 है 23, ये इसका पहला भाग हो गया, IQR निकाल रहे हैं। Q3 23 माइनस 20, तो ये हो गया 3। दूसरा भाग B, ये होता है QD, इसका फार्मूला जिसे हम इसे बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, अंतर चतुर्थक विस्तार, ये है QD, जिसे हम बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन यानी कि चतुर्थक विचलन हिंदी में। Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 23 माइनस 20 अपॉन 2, तो भाई 3 आया था, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। और अब लास्ट वाला जो पॉइंट पूछा जाता है वो होता है कोफिशियंट ऑफ QD, तो कोफिशियंट ऑफ QD अब यहाँ निकालूँ, कहाँ निकालूँ,
चलो इधर निकाल देते हैं, ये खाली पड़ा हुआ है पेज। कोफिशियंट ऑफ क्यू डी, कोफिशियंट ऑफ क्यू डी इक्वल टू होता है क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपॉन क्यू थ्री प्लस क्यू वन। तो 23 माइनस 20 अपॉन 23 प्लस 20, तो ये हो गया 3 अपॉन 43। अब 3 को 43 से डिवाइड करना है, तो हमारा जवाब 3 अपॉन 43, ये हो गया 0.0697। बड़ा लंबा है, फिर भी हम 698 तक ऐसे बना देंगे अप्रोक्स में, 0.069 अप्रोक्स में 8 बना देंगे, तो हमारा जवाब हो गया बिल्कुल करेक्ट। ये था आपके सामने। अब ये 5 या 5 से ज़्यादा है तो इसको 8 बना सकते हैं, ये 5 या 5 से ज़्यादा तो इसको भी एक बढ़ा करके 70 बना सकते हैं, लेकिन आंसर उन्होंने दशमलव के 3 अंकों तक दिया है, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है क्यू वन की वैल्यू 20, क्यू थ्री की वैल्यू 23, क्यू डी की वैल्यू 1.5 और क्यू डी वैल्यू है कोफिशियंट ऑफ क्यू डी की वैल्यू 0.698। तो ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज हो गया। अब चलते हैं सॉल्व करेंगे यही तीनों चीज़ डिस्क्रीट सीरीज में आपके सामने। अब ये जो इंडिविजुअल सीरीज है, अब ये सारे सवाल आप अपने आप सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हाइट और इंच है, मतलब वेट है, दोनों का अलग अलग निकालेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में डाल करके आप तमाम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन तीसरे थर्ड पार्ट में है, इसका क्वेश्चन यहाँ शुरू और यहाँ तक है, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ से यहाँ तक डालेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसे तो पहला क्वेश्चन मान लेंगे, इसको दूसरा क्वेश्चन मान लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा सर्वनाश। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों एक ही है, यहाँ शुरू करके यहाँ तक समाप्त होगा। ये कुल नंबर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 19 संख्याएँ हैं ये पूरी, यानी इसका एन 19 है, 29। अब हमारा क्वेश्चन है डिस्क्रीट सीरीज में पहुंच चुके हैं। डिस्क्रीट सीरीज में यहाँ पर एक्स है और ये एफ है, इसमें भी क्यू डी पूछा है, क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशियंट ऑफ क्यू डी पूछ रहा है और आई क्यू आर नहीं पूछा है, तो हम चलो इसे ही बनाते हैं। आई क्यू आर हम अपनी तरफ से निकाल देंगे भाई, और क्या क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और एफ दोनों मिलता है लिखा हुआ, तो क्वेश्चन में एक्स, अब तो शुरू में ही क्वेश्चन की तरह बना देते हैं जिससे कन्फ्यूजन से हम दूर रहेंगे। क्वेश्चन आप देख रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60। एफ है 4, 7, 15, 8, 7, 2, 4, 7, 15, 8, 7, 2। ये हमारा क्वेश्चन, इसको हम तुरंत सी एफ में कन्वर्ट कर लेंगे। ये असेंडिंग ऑर्डर में है, हमें असेंडिंग बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। 4 अगर नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा, 4 का 4 ही रखेंगे, 7 4 में जोड़ेंगे तो 11 आएगा और इसको जोड़ेंगे तो भाई 26, आगे बढ़ते जाएंगे 34, 41 एंड 43। तो जो n है वो यही लास्ट वाला नंबर जुड़ जुड़ के आया है, तो 43 बन गया। अब हम सोल्व करने चल रहे हैं Q1, यानी कि चलो नीचे सोल्व करेंगे Q1, यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल। फार्मूला इसका लगाएंगे वैल्यू ऑफ n प्लस 1 अपॉन फोर्थ आइटम। बहुत स्पीड में इसलिए कर रहे हैं जल्दी जल्दी, जिससे कि आपको कम समय में समझ में आ जाए। ये 44 अपॉन 4 हुआ तो 11th आइटम आया। अब 11 देखेंगे सी एफ में कहाँ लाइज करेगा, तो ये भाई यहाँ लाइज करेगा, इतना साक्षात 11 ही मिल गया, तो ये है 20, जिसका आंसर होगा 20। इसका मतलब Q1 की जो वैल्यू है वो है 20। अब हम लेते हैं Q3, इसका फार्मूला होता है वैल्यू ऑफ n प्लस 1 अपॉन फोर्थ आइटम, तो लगाएंगे लेकिन बाहर हम 3 और लगा देंगे 3, तो ये 43 प्लस 1 अपॉन 4, तो आइटम डाल देते हैं इसके आगे, तो ये हो गया 44 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 आइटम, TH आइटम, 33 आइटम हो गया। तो हमारा 33 कहाँ लाइज करेगा, 33 26 को पार करके इसमें आएगा, जिसके सामने है
40, तो हमारा जो जवाब होगा वो 40 होगा। हमारी भाई हमें तो क्यू थ्री भी मिल गया और क्यू वन भी मिल गया, तो अब हमें क्या चाहिए, आई क्यू आर। पहला नंबर आई क्यू आर निकालते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज, अंतर चतुर्थक विस्तार। क्यू थ्री माइनस क्यू वन, ये फार्मूला है। तो 40 ये रहा क्यू थ्री, ये रहा क्यू वन। अब इसको हम घटा देंगे और बचे क्या है इसमें, ये हो गया हमारा आंसर आ गया। दूसरा नंबर क्यू डी, कोफिशिएंट मतलब क्वार्टाइल डेविएशन, तो इसका फार्मूला होता है क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपॉन टू। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 40 माइनस 20 अपॉन टू, 20 आया, 20 को डिवाइड करेंगे 2 से 10 आएगा, हमारा आंसर हो गया 10। तीसरा पॉइंट है कोफिशियंट ऑफ क्यू डी, फार्मूले के मुताबिक क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपॉन क्यू थ्री प्लस क्यू वन होता है, वैल्यू पुट करेंगे तो 40 माइनस 20 अपॉन 40 प्लस 20, तो इसका मतलब हुआ 20 अपॉन 60 हो गया। 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, 0.333, ये तो कटेगा ही नहीं, फिर भी दशमलव के 3 अंकों तक हम लिख देंगे। तो आपने देखा, अरे अभी तो हमने आंसर मिलाया ही नहीं, चलो मिला लेते हैं, कहाँ है आंसर मिलाएंगे भाई, कहाँ है, यहाँ पे है, ये रहा क्यू डी। इन्होंने सीधा क्यू डी का आंसर दिया, क्यू वन और क्यू थ्री तो दिया ही नहीं, चलो क्योंकि अब ये आंसर तभी आएगा जब हमारा क्यू थ्री क्यू वन सही होगा, तो ये क्यू डी आ गया 10, जो कि हमारा कहाँ है, ये रहा। उसके बाद इन्होंने दिया आंसर क्यू डी, कोफिशियंट ऑफ क्यू डी का 0.333, ये रहा 0.333, तो मैच हो गया। अब आपने देख लिया भाई डिस्क्रीट सीरीज में प्रॉब्लम जो है आपकी स्क्रीन पर किस प्रकार से सॉल्व हुई है, और स्टेप बाय स्टेप हमने इसको बाकायदे बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे कंटिन्यूस सीरीज में इसी चीज़ को सॉल्व करेंगे। कंटिन्यूस सीरीज यहाँ पर दिया हुआ है, अगर ये सीरीज सही नहीं होगी तो इस सीरीज को हम सही बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। इसके आगे एक क्वेश्चन इस टाइप का भी है, जैसे यहाँ पर एक्स दे दिया, यहाँ ए दे दिया, यहाँ बी, तो ये फ्रीक्वेंसी है, एक्स तो यही रहेगा, पहली बार में फ्रीक्वेंसी ए को मान लेंगे, दूसरी बार में एक्स यही रहेगा, फ्रीक्वेंसी इसे मान लेंगे, इस प्रकार से ये दो क्वेश्चन बन जाएंगे ए और बी, तो दोनों का आंसर अलग अलग आ जाएगा। इन्होंने बोला विचरणशील कौन सा है, तो विचरणशील मतलब है किस में ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, किस में ज़्यादा स्थिरता है, तो जो हम कोफिशियंट निकालते हैं वह वेरिएबिलिटी यानी विचरणशीलता ही निकालते हैं, इसमें ज़्यादा विचरणशीलता है, इसमें ज़्यादा बड़ी नंबर है, तो यही विचरणशील ज़्यादा है। अब हम पहुँचते हैं कंटिन्यूस सीरीज में, और वो ये रहा, इसके जैसे जितने भी सवाल होंगे सब कंटिन्यूस सीरीज में ही सॉल्व करेंगे, आगे दिया हुआ है क्लास इंटरवल में ही सारे सवाल बने हुए हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो हार्ड लगेगा वही सवाल सॉल्व करेंगे, इसमें कौन सा हार्ड क्वेश्चन है जिसको हम हार्ड मान लें, इन सब में हाँ चलो इसको लेते हैं, इसमें उल्टा बना हुआ है, क्लास इंटरवल इधर से इधर की ओर चल रहा है, और इस तरह से यानी इस क्वेश्चन को हम इधर से उतारेंगे और इधर से ही फ्रीक्वेंसी भी लेंगे, और गैप भी चार चार का चल रहा है, तो क्लास इंटरवल इसका जो है वो इस प्रकार से इधर से लिया जाएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पूरे को हम यहाँ से उतार लेते हैं, यहाँ पर कॉपी पर आपके सामने मौजूद है, इसको उतारने के बाद हमने क्या किया है, 6 यहाँ रखा, इसका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता बनाया, 6 का 6, 6 में 10 जोड़ा 16, 16 में 18 जोड़ा 18 यानी 34, और 34 में 30 जोड़ा तो 64, और 15 जोड़ा तो 79, 12 जोड़ा 91, 10 जोड़ा 101, इस प्रकार से हमने सी एफ में कन्वर्ट कर लिया, और एफ का जो टोटल है 101 109 है, जो कि लास्ट में जो नंबर आता है यहाँ पे वही इसका टोटल बैठता है, क्योंकि हम ऊपर से टोटल करते हुए ही तो आ रहे हैं। हम क्वार्टाइल फर्स्ट यानी फर्स्ट क्वार्टाइल निकालेंगे, साइज ऑफ एन अपॉन फोर, इसमें प्लस वन नहीं लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, क्लास इंटरवल में कभी भी प्लस वन नहीं करेंगे। 109 अपॉन फोर्थ आइटम, इसे काटेंगे कैलकुलेटर से, 27.25 आइटम आएगा, 27.25 को हम सी एफ में देखेंगे कहाँ लाइज करेगा, जाहिर है 16 को क्रॉस करके 34 में लाइज करेगा,
तो ये हमारा इंटरवल होगा 12 से 16, यानी ये 12 से 16 इंटरवल में लाइज करेगा। फार्मूला होगा Q1 इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन फ्रिक्वेंसी, यानी इंटरवल अपॉन फ्रिक्वेंसी, और Q1 माइनस C। Q1 अभी फ़िलहाल के लिए ये रहेगा, यहाँ पर जो हमारा नंबर आया हुआ है 27.25। तो अब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, तो L1 जो क्लास इंटरवल है यहाँ पे 12-16, तो ये L1 ये है और ये L2 ये है, इनके बीच का जो गैप है 12 से 16 चार का अंतर आ रहा है वो I है, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 12 प्लस I है 4 अपॉन, और इस फ्रिक्वेंसी वाली लाइन में ये जो 18 है मतलब 18 है, ये 18 हमारा फ्रिक्वेंसी काम करेगा, जिसको हम 18 को यहाँ रखेंगे, ब्रेकेट लगाएंगे, Q1 की वैल्यू इसे माना जाएगा माइनस C कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में, जिस CF में आया था ये आया था इसमें, इसके जस्ट ऊपर वाला C डिनोट किया जाएगा 16, इसको यहाँ पर रखेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करने पर 11.25 और ये 4 ही रहेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी और 18 से डिवाइड होगा तो 2.5 आएगा, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 45 आएगा, 18 से डिवाइड करेंगे 2.5, फिर 12 में जोड़ देंगे 14.5 आ जाएगा। अब हम फार्मूला लगाएंगे Q3 का, Q3 इक्वल टू होता है साइज ऑफ n अपॉन फोर्थ आइटम, बाहर लगाएंगे 3, इसके बाद लिखेंगे इसकी वैल्यू को, n है 109, 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 81.75 आइटम नंबर। अगर ये सॉल्व करने में कहीं गलती हुई है तो आप ये जो नंबर आया हुआ है इसी को ही 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, वही नंबर आना चाहिए यहाँ पर। अगर हम 27.25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर यहाँ पर आएगा। तो और इसका जो क्लास इंटरवल होगा 81.75, चेक करेंगे CF में कहाँ लाइज करेगा, तो ये CF जो है यहाँ पर 81.75 79 को क्रॉस करके 91 में जाएगा। इसका मतलब है इसका L1 ये होगा, F ये होगा, I 4 होगा, और जो C है क्लास उसमें कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वो है 79। अब इसकी वैल्यू को जब पुट करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे L1 और I अपॉन F, Q3 माइनस C यहाँ पर यूज करेंगे, 24 इसका L1 होगा क्योंकि 24 से ये 28 के बीच में आ रहा है तो L1 ये हो गया, ये 12 F का काम करेगा, यहाँ पर नीचे F आएगा, I है 4 का गैप चल रहा है, 81.75 Q3 है, C जस्ट जिस CF में आएगा बिल्कुल ऊपर वाला 79, इसमें से इसको घटाएंगे 2.75 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई होगा, 12 से डिवाइड करेंगे 0.917, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है ये 2 बन सकता है, 0.92 यानी 24.92 हमारा आंसर हो जाएगा। Q3 माइनस Q1 फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये होगा IQR, Q3 माइनस Q1 इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 24.92 ये रहा Q3 और 14.5 Q1 है, इसकी वैल्यू को रखेंगे तो IQR आ जाएगा। QD का फार्मूला Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 है, इसकी वैल्यू को रखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 5.21 आएगा। अगर आप कैलकुलेटर आपके पास है तो आप इसको तुरंत वेरीफाई करते चले चलेंगे और आपको भी ये समझ में आता चला जाएगा। इसके बाद हम इसका अगला पॉइंट लेंगे, कोफिशियंट ऑफ QD, इसका फार्मूला Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 और इसकी वैल्यू रखेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे ये आएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 39.42, डिवाइड करेंगे तो लास्ट ऑप्शन में हम आपको डिवाइड करके दिखा ही देते हैं, अपॉन 39.42 ये आया 0.264 और ये रहा, और हमारा जो जवाब है तमाम क्वेश्चन में मैच करते हैं कि कहाँ पे है, यहाँ पर देखेंगे ये रहा Q1 का आंसर, Q3 का आंसर, QD का आंसर, कोफिशियंट ऑफ QD, IQR इन्होंने पूछा नहीं है, उसका आंसर दिया नहीं है। तो तमाम क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर मिल चुका है, हमने आज जो सीखा है QD, IQR यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज और कोफिशियंट ऑफ QD, इस वीडियो में ये तमाम चीज़ें हमने सीखी है। तो अगली वीडियो में हम मीन डेविएशन को लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी जो कि
ठीक नहीं है, आप भी बोरियत महसूस करेंगे, तो मीन डेविएशन को हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे। कोशिश तो हमारी यही थी कि हम इसी पार्ट में लेकर आएँ, लेकिन लंबी हो जाएगी क्योंकि हमें इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस तीनों को समझाना होता है। आज की वीडियो कैसे लगी यह जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, क्योंकि कॉमर्स से संबंधित तमाम वीडियोज की अपडेट्स आपको इस चैनल पर कंटिन्यू मिलती रहेगी। हम जब भी वीडियो आपके पास देंगे तो कॉमर्स में जितने भी सब्जेक्ट हमने आपको बताया है उन सभी की वीडियो, चाहे कॉस्ट अकाउंट हो, इनकम टैक्स हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, कॉरपोरेट अकाउंटिंग हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, तमाम वीडियोज की हम उन्हीं सब्जेक्टों पर तैयार कर रहे हैं। इसमें बच्चों के रिक्वायरमेंट भी शामिल है। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मैटर को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।